आज हम आए हैं, यहाँ नमक की खेती होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नमक की खेती होती है गाइज। और मैं आपको बता दूं कि जो नमक की खेती है ये बारिश के बाद शुरू होती है। तो ये जितने भी खेत हैं ये यहाँ पे खारा पानी इनको इकट्ठा किया जाता है, गूल बनाई जाती है, नहरें बनाई जाती हैं। और पहले ये खेत को समतल किया जाता है, फिर यहाँ पे क्यारियाँ बनाई जाती हैं, फिर उन क्यारियों में बारिश का पानी भरा जाता है। और फिर वो पानी जब सूरज की गर्मी से वाष्पीकरण होता है और वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, तो जो बचता है वो होता है नमक। और उसके लिए यहाँ पे दूर दूर से मजदूर आते हैं और वो लोग यहीं पे अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं, और जब तक नमक रेडी नहीं हो जाता है तब तक वो लोग यहीं रहते हैं। और अक्टूबर टू फैब ये सारा प्रोसेस चलता है, उसके बाद जाके ये कम्प्लीट होता है। और उसके बाद भी ये पूरी तरह प्योरीफायर नहीं होता है, इसके लिए हमें नमक को फैक्ट्रीज़ में भेजना पड़ता है, और फिर प्योरीफायर होकर तब आप लोगों तक वो नमक पहुँचाया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ है अभी भी, इस तरीके का नमक होता है। ये देखिए, ये पूरी जो आप ज़मीन देख रहे हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसको पूरे को समतल किया जाता है। तो काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ मजदूर लगते हैं जो काफ़ी महीनों यहाँ पे वर्क करते हैं। ये नमक का केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये नमक का फार्मूला है गाइज। फिर हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो हम आप लोगों को बता सकते हैं। ये है मुंबई, लोग मुंबई में हमेशा आके गंदगी दिखाते हैं, आज मैं आपको मुंबई की ब्यूटी भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसा लग रहा है बादल नीचे आ गए हैं। गाइस, मुंबई की ब्यूटी गूंजे। हम कहाँ हैं? इसका नाम है भाटे बंदर माता वेल्पना तीर्थ मंदिर, और ये चर्च है। ये अंदर से अगर तुम एक बार देख लो ना, मूवी में जो चर्च दिखाते हैं इतने बड़े बड़े और इतने ब्यूटीफुल चर्च है ना, उनमें से एक है। ये कहाँ पर है गाइस? ये उत्तन बीच के पास में चर्च है, बीच आप देख सकते हैं उस तरफ बीच है उत्तन बीच, और इस तरफ ये चर्च है। और इस चर्च में देखिए कितना ग्राउंड भी है बहुत अच्छे अच्छे, और ऊपर भी एक चर्च बना हुआ है। बहुत अलग सा पेड़ है। अबे सच में रे? हाँ, ये पेड़ कुछ अलग सा है, इसमें पत्ते भी हैं, हरे रंग का भी है यार ये तो। ऐसे पेड़ अपने पहाड़ों में भी होता है पर थोड़ा सा अलग। और यहाँ से व्यू देखिए, ये भी एक हिस्सा है मुंबई का, लेकिन लगता नहीं है कि मुंबई के अंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। जिन लोगों ने अभी तक पवन चक्की नहीं देखी है ये उनके लिए है, और थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। जिस डायरेक्शन में हवा बहती है ये उधर को ही घूम जाता है। ये देखिए, अभी देखिएगा, वैस लॉकडाउन की वजह से चर्च अभी बंद है, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए शीशे के अंदर से ही। आज हम लोग घूमने निकले थे तो जो जगह अच्छी दिख रही थी हम वहीं रुक जा रहे थे आज। तो गूंज ने बताया कि मुझे यहाँ पर एक पास में बहुत अच्छा चर्च है, तो वाकई बेहद ही खूबसूरत चर्च है, बट अंदर जाने नहीं दिया गया है। तो मुझे बुरा लग रहा है थोड़ा सा कि यार इतनी दूर आई हूँ, आई थिंक 15 किलोमीटर दूर आए हैं हम लोग, और यहाँ पर पुलिस वाले अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये देखिएगा, इस बादलों के बीच में से सूर्य की रोशनी कितनी खूबसूरत लग रही है। वाओ, देख रहे हैं आप ये नज़ारा, जल्दी देखने को नहीं मिलता है, बेहद खूबसूरत। गाइस, यहाँ ऊपर भी बहुत अच्छा स्तंभ बना हुआ है, बट अभी गेट बंद है तो इस वजह से हम ऊपर जा नहीं सकते हैं, और यहाँ से कंटिन्यूसली बहुत ऊपर तक सीढ़ियाँ हैं। चेन्नई एक्सप्रेस देखी थी ना, शाहरुख खान दीपिका को लेके आता गोदी में उठा के, ऐसी सीढ़ियाँ हैं सीधा ऊपर तक। वो सामने आपको दिख रही हैं मदर मैरी की जो बनी हुई, ये इतनी दूर जाना पड़ता है चढ़ते हुए। फिलहाल चलिए, इतने छोटे छोटे रास्ते हैं, और आते समय इसी रास्ते पर हमारे आगे आगे एक ट्रक चल रहा था, जिसको हम 15 मिनट तक सोचते रहे कि इसके आगे कैसे निकले, फिर बेचारे ने हम पे दया कर दी, फिलहाल हमें निकाल दिया आगे। ये वही कुत्ते हैं जो अक्सर चलते हुए लोगों को काट लिया करते हैं। ये देखो,
पता है क्यों काटते हैं? क्यों काटते हैं? क्योंकि एक बार इनके गांव की किसी कुतिया को दूसरे शहर का कुत्ता ऐसी गाड़ी में ले गया था, तब से ये कुछ गाड़ियां देख देख के काटते हैं। ये देखो गाइस, ये देखिए, सारे हैं ये सारे शिप जो यूज़ किए जा रहे हैं ये सिर्फ फिशेस के लिए हैं। तो सोचो लोग कितनी तादाद में मछलियों को खाते हैं। लड़कों की बात और गधे की लात एक ही बराबर होती है, देख लो। ब्यूटी बॉस, मैं इनको शिप बोल रही हूँ कब से ये नाव है। गाइस यहाँ भी पूरे में नमक की खेती होती है जो हम आपको सुबह दिखा रहे थे। आरव को दिख गया उसका कैरम बोर्ड। फाइनली इसको कैरम मिल गया है। मैं इसे बाइक में लेके कैसे बैठूंगी? गाइस मैं तो जा रहा हूँ गूंज के साथ एक टक टक गेम खेलने और आपसे मुलाकात होगी कल।